नमस्कार दोस्तों, हार्मोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल के मदद से समझाऊंगा कि किसी भी गीत को, किसी भी भजन को, किसी भी धुन को हार्मोनियम के ऊपर कैसे निकाला जाता है, क्या टिप्स रहती है, क्या ट्रिक्स रहती है। सबसे पहली चीज है कि आप चाहे कोई भजन निकाल रहे, चाहे कोई गीत निकाल रहे, आप उस भजन को सुनिए पहले तो, ठीक है। ठीक है, आपको उस भजन के लिरिक्स याद होने चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपरली मैच कर सके। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस वीडियो में, पूरा देखिएगा इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। एक एक चीज आपको गहराई में समझाने वाला हूँ, आपको आज तक ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने समझाई होगी। सो पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सो यहाँ पे मैं, ये जो लेडीज है, इनका मैं एक भजन ले रहा हूँ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अभी एक चीज, इसको निकालने से पहले छोटी छोटी मेरी बातें समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, ये जो भजन है सारे तीर्थ धाम, सबसे पहली चीज क्या है कि आप ये तय करिए कि आप कौन से सिंगर का भजन निकालना चाहते हैं। अभी एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान के चलिए ये भजन का नाम है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज में गाया है, किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज से गाया है, और मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज से गाया। तीन लोग हैं, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि तीनों ने एक ही राग पे गाया हो, हो सकता है कि लता मंगेशकर जी राग शिवरणी में गा दें, हो सकता है कि किशोर कुमार जी राग दरबारी में गा दें, हो सकता है कि क्या बोलते हैं मोहम्मद रफी साहब राग भैरवी में गा दें। हालांकि लिरिक्स सेम रहेंगे, लिरिक्स में हेर फेर नहीं होगी। हेर फेर कहाँ पे होगी, गाने के स्वरों में, यानी कि गाने की जो कंपोजिशन है उसके अंदर हेर फेर होगी, क्योंकि उसमें रागों का चलन अलग होगा, क्योंकि राग शिवरंजनी अलग राग है, दरबारी अलग है और भैरवी अलग है ना, तीन राग अपनी अपनी जगह, लेकिन लिरिक्स नहीं बदलेंगे, लिरिक्स कुछ सेम ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन कंपोजिशन बदलेगी। अभी यही चीज आपके ऊपर भी मैटर करती है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उस चीज को समझिए। आप ये तय करिए कि आप जो सुनना चाह रहे हैं क्या वो चीज निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि मान चलिए मैं इनको सुन रहा हूँ, अभी ये सारे तीर्थ धाम और भी लोगों ने गाया है ना, किसी ने अपनी तरीके से गाया, इन्होंने अपनी तरीके से गाया, मैं कौन सा निकालना चाहता हूँ वो चीज मैटर करती है। आप वही सुनिए जो आप निकालना चाहते हैं। अगर लता मंगेशकर जी वाला सुनना बजाना चाहते हैं, निकालना चाहते, तो लता मंगेशकर जी का सुनिए। किशोर कुमार जी का बजाना चाहते हैं भजन, तो किशोर कुमार जी का सुनिए। अगर मोहम्मद रफी साहब को बजाना चाहते तो मोहम्मद रफी साहब का सुनिए। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। देन दूसरी चीज क्या है कि सिंगर को सुनिए कि क्या कर रहा है वो। अभी देखिए, मुझे इतने में पता चल गया कि वो क्या गा रहे हैं और कहाँ पे गा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सुना और मेरे दिमाग ने क्या पकड़ा कि वो गा कहाँ पे रही है। मैंने उसको अपने दिमाग में, जब वो गा रही थी तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी, सारे तीर्थ धाम, तो उन्होंने वो चीज़ गाई और मैंने वो ग्रेस्प कर ली, मतलब कि मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया, है ना। अभी मेरे लिए ये पकड़ना ईजी है कि वो कहाँ से गा रहे हैं, तो मैं एक दो लाइन और सुनूंगा और उसको हूबहू निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अभी देखिए, मैंने एक लाइन पूरी सुन ली, पूरी लाइन सुन ली, तो मेरे को उनका आवाज का आइडिया हो गया कि वो कहाँ पे गा रही। तो नॉर्मली जो गा रही मैं उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ पहले कि वो कहाँ से गा रही, तो वो गा रही यहाँ से, वो गाड़ी यहां से, तो मैंने कैसे पकड़ा, पहली चीज मैं एग्जैक्टली वहां पे कैसे पहुंच गया, तो उसका कारण क्या है कि जो जिस राग में वो गा रही है मुझे उस राग की समझ है, मतलब कि वो गा रही है राग शिवरंजनी के स्वरों के ऊपर। हाँ, उसमें मिक्स स्वर लगेंगे, जरूर लगेंगे कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, बट उनका जो राग का जो चलन है ना वो है राग शिवरंजनी, तो मेरे को फट से पता चल गया। इसलिए मेरा हाथ डायरेक्टली माइनर कोड के ऊपर गया, क्योंकि राग शिवरंजनी एक माइनर कोड का माइनर स्केल का राग है, तो इसमें जो स्वर लगते सारे गा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मिल गया, बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने जो वो गा रही मैंने उनका अंदाजा सही लगा लिया। अगर मैं यहीं पे अंदाजा मुझे सही नहीं होता तो मेरे से ये भजन नहीं निकलना था। मेन चीज यही है कि जब तक इंसान सही सुनेगा नहीं, सही उसको समझेगा नहीं, तब तक आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते। सही अंदाजा लगाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको संगीत को सीखना पड़ेगा, पहले संगीत के बेसिक सीखने पड़ेंगे, यानी कि थाट सीखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद राग सीखे। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रागों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ शायद मैं गाने तो अक्सर रागों में होते हैं, तो चार पांच राग सीखूंगा तो मुझे गाना बजाना आ जाएगा। नहीं, गलत फहमी है, गाना राग बजाने से नहीं आता, तो राग बजाने से गाना किसी को बजाना होता तो फिर तो सारे संगीतकार बन जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती, और भी बहुत सारी बारीकियाँ होती जो समझने की जरूरत होती, खाली राग से गाना नहीं निकलता। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सिंगर क्या कहना चाह रहा है और आप क्या करना चाहते हैं,
और क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर रिलेट कर पाएंगे तभी आप गा पाएंगे, तभी आप बजा पाएंगे, ठीक है जी। ये एक सोल्यूशन है। अभी जैसे मैंने इनको पकड़ कि ये शिवरंजनी में गा रही हैं, हालांकि ये शुद्ध शिवरंजनी नहीं, इसमें मिक्स भी स्वर लगेंगे, बट हूबहू मैंने उनको पकड़ लिया कि वो क्या गाना चाह रही है और कहाँ पे गा रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने पकड़ा कि वो गा रही है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अगली लाइन भी मैंने पकड़ ली क्योंकि जैसा उन्होंने गाया मैंने पकड़ लिया, मेरे दिमाग ने पकड़ लिया। अभी बात आती है कि आप लोग कैसे पकड़ेंगे ये जो चीज मैं पकड़ पा रहा हूं, आप लोग कैसे पकड़ पाएंगे। तो उसके लिए भैया एक ही सलूशन है कि आप ना अलंकार बजाइए। अलंकार से जिस इंसान को हारमोनियम सीखना है ना, जिंदगी में कुछ वाकई कुछ सीखना चाहता है, खुद से बजाना चाहते हैं, आप गानों के पीछे मत पड़िए, पढ़िए बेसिक व्याकरण सीखिए, मतलब कि कुछ अलंकार 40-50 अलंकार बजाने सीखिए, फिर उन अलंकारों को थाटों में बजाइए, तभी आपको ये आवाज़ का हेर फिर पता चलेगा कि कौन सा सिंगर कहाँ पे गा रहा है। देन और एक चीज़ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, टिप्स क्या है इस गाने को निकालने के लिए। देखिए जो लेडीज़ गाती ना वो मोस्ट प्रोबेबली या तो चौथी काली से गाएंगी, कुछ जिनकी आवाज़ ज़्यादा भारी वो चौथी काली से गाएंगी, या फिर यहाँ से गाएंगी, या फिर यहाँ से गाएंगे, या यहाँ से, मतलब कि जो लेडीज का स्केल होता है, मतलब कि इस चौथी काली से लेकर इस पहली काली तक होता है, इसके बीच ही होता है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्केल में से कोई ना कोई एक स्केल होगा। हाँ किसी की कुछ ज़्यादा पतली आवाज़ है, जैसे लता मंगेशकर जी थी तो वो यहाँ से भी गाती थी, यहाँ से भी गाती थी, तो उनका स्केल ऊपर भी हो सकता है, यानी कि डी भी हो सकता है, डी शार्प भी हो सकता है। मेन जो दायरा रहेगा, मतलब कि इस आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छा गाने वाला है या फिर नॉर्मल गाने वाला, तो मान चलिए आप टोटल 8 स्केल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 स्केल में से किसी ना किसी एक स्केल पर उनकी आवाज़ मैच करेगी, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है, ये हमेशा ही ऐसा होता है, हर एक सिंगर के साथ ही ऐसा होता है। ऐसे ही आदमी लोगों की, अगर आदमी गाएंगे तो मे भी वो यहाँ से पहली सफ़ेद से भी, कुछ लोग आते हैं जिनकी आवाज़ ज़्यादा बेस वाली वो पहली सफ़ेद से भी गा लेते हैं या पहली काली से भी गाते हैं। नॉर्मली जो आदमी का स्केल होता है वो यहाँ से लेकर पाँचवीं काली तक वेरी करता है, ठीक है, इसके अंदर ही होता है। लेकिन आप डायरेक्ट स्केल पकड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने क्या किया, उनकी आवाज़ को सुना और डायरेक्ट स्केल पकड़ लिया, तो उसके लिए आपको थाट सीखने पड़ेंगे, अलंकार सीखने पड़ेंगे, स्केल सीखने पड़ेंगे। ये कुछ चीज़ें सीखे बिना ये चीज़ नहीं आ सकती, डायरेक्टली राग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप उस बात को रेट करिए, समझिए कि गान राग सीखने से कभी गाना नहीं बजाना आता, गाना बजाना आएगा जब तक आप संगीत की गहराई को नहीं समझे। संगीत की गहराई का मतलब कि इन स्वरों की आवाज़ को पहचाने कि कौन सी स्वर की आवाज़ कैसी है। जैसे देखिए इस स्वर की आवाज़ से हम इस स्वर की आवाज़ को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अपना एक अस्तित्व है, इसका एक अपना अस्तित्व है, मतलब इसकी एक अपनी पहचान है, इसकी एक अपनी पहचान है, तो हम किसी की पहचान को किसी की पहचान से मैच नहीं कर सकते। जब तक आप इन स्वरों को नहीं पहचानते तब तक गाना नहीं बजाना आएगा। भले आप कितने मर्जी किसी गुरु के पास जाके, कितने मर्जी पद्मश्री गुरु के पास भी जाके बैठे रहें, तो उसके पास बैठने से ही कोई आपको संगीत थोड़ी ना आ जाएगा, जब तक आप खुद नहीं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन चीज़ है कि आप इम्प्लीमेंट करिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बेसिक के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप गाना जल्दी निकाल पाएंगे, उतनी जल्दी आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो एक जस्ट मेरा एक एग्जाम्पल था कि इस तरीके से गाने चलते हैं, पहचानते हैं हम और निकालते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए कि सर इसी तरीके के और वीडियोज लाइए, तो मैं वीडियोज़ का ढेर लगा दूंगा ऐसे टाइप के, अगर आपको इससे सीखने को कुछ मिलता है तो, ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हो, तब भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में बस मैं इतना जानकारी देना चाहता था कि गाने को निकालने के पीछे क्या प्रोसेस रहता है, क्या टेक्निक होता है, हम लोग कैसे गाना निकालते हैं, किस तरीके से गाना निकाला जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मेरी एक एक बात को रिलेट कर पाए होंगे। फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।